Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हमारे समाज में, खासकर हिंदू धर्म में, अंतरजातीय विवाह का हमेशा से ही विरोध होता आया है। कभी कभी जाति समान हो फिर भी विरोध होता है। ये विरोध होता है लड़का और लड़की के समान गोत्र के कारण। आपने अक्सर देखा होगा कि लड़की या लड़के के शादी के लिए दूर दराज से रिश्ते खोजे जाते हैं। लड़के और लड़कियों की शादियां अक्सर ऐसे परिवार में की जाती हैं जिनसे पहले कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। शास्त्रों के मुताबिक ऋषि विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप और ऋषि अगस्त्य, इन 8 ऋषियों से गोत्र जुड़े हुए हैं। अगर कोई इंसान कश्यप गोत्र का है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसकी पुरानी पीढ़ी कश्यप ऋषि से शुरू हुई थी, इसीलिए वो इस गोत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह से अगर दो लोग एक ही गोत्र से संबंध रखते हैं तो इसका मतलब यह हुआ उनके बीच एक पारिवारिक रिश्ता है, वो दोनों एक ही मूल और एक ही कुल के वंश हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक ही गोत्र में शादी करना वर्जित है, क्योंकि सदियों से यह मान्यता रही है कि एक ही गोत्र का लड़का और लड़की एक दूसरे के भाई बहन होते हैं, और भाई बहन में शादी करना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी पाप माना जाता है। हिंदू धर्म एक ही गोत्र में शादी करने की इजाजत नहीं देता। ऐसा माना जाता है कि एक ही कुल या एक ही गोत्र में शादी करने से इंसान को शादी के बाद कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस तरह की शादी से होने वाले बच्चे में कई अवगुण भी आ जाते हैं। वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो एक ही कुल या गोत्र में शादी करने से शादीशुदा दंपत्ति के बच्चों में जन्म से ही कोई ना कोई आनुवंशिक दोष पैदा हो जाता है। एक शोध के अनुसार जन्मजात आनुवंशिक दोष से बचने के सबसे बेहतरीन तरीका है सेपरेशन ऑफ जीन्स। ऐसा तभी हो सकता है जब आप नज़दीकी संबंधियों के परिवार में शादी करने से बचें। एक ही गोत्र में शादी करने से जीन्स से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों में समान गोत्र में शादी न करने की सलाह दी गई है। हिंदू धर्म के अनुसार इंसान को हमेशा 3 गोत्र को छोड़कर ही शादी करनी चाहिए। इंसान जिस गोत्र का होता है वो उसका पहला गोत्र होता है, दूसरा गोत्र उसकी माँ का होता है और तीसरा गोत्र दादी का होता है। इसीलिए हमेशा 3 गोत्र छोड़कर शादी करना चाहिए। वैसे गोत्र को लेकर हर धर्म का अपना एक अलग नज़रिया है और इसीलिए वो अपनी पुरानी मान्यताओं का सदियों से पालन करते आ रहे हैं। गौरतलब है कि शास्त्रों के मुताबिक एक ही गोत्र का लड़का और लड़की में पारिवारिक रिश्ता होता है और शास्त्र इस तरह के शादियों की स्वीकृति नहीं देता। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.